हेलो दोस्तों, दिस इज निमित्सन फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आपको पेपर में देखने को टॉपिक मिलता है। ये पेपर है पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया को लेके, पार्टी सिस्टम इन इंडिया को लेके टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत बार पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रेगुलर से हो, एसओएल से हो, इग्नू से हो, देश की तमाम किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम वाइज नहीं, आपकी नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टी सिस्टम इन इंडिया को। तो पार्टी सिस्टम इन इंडिया बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के बच्चे और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे स्पेशली इस टॉपिक को जरूर देखें ताकि उनकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पे पार्टी सिस्टम इन इंडिया की। तो पार्टी सिस्टम इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पहला क्वेश्चन हमारी दिमाग में यही आना चाहिए और इंट्रो में भी हमें यही स्पेसिफाई करना चाहिए कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। मैं लिखूंगा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि डेफिनेशन है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। क्या है पॉलिटिकल पार्टी? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है, जिसका काम होता है इलेक्शन लड़ना, और अगर लड़के जीत जाते हैं तो उनका काम होता है रूल करना गवर्नमेंट के अंदर। अगर हार जाते हैं तो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं और जीत जाते हैं तो रूलिंग पार्टी का रोल प्ले करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप with a common ideology to contest election and accommodate power। ठीक है जी, तो ये तो हो गई आपकी political party की definition। सबसे पहले आप question में intro यहीं से शुरू करोगे आप, right? उसके बाद political party के बारे में दो चार चीजें और बता सकते हो आप। Then आप आओगे type of political parties। political parties के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो अगर मैं टाइप बात करूंगा तो सबसे पहले ऐसी पार्टीज होती है जिनका ओरिजिन जो है वो मूवमेंट से होता है। एक देश में बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट होती है, किसी स्टेट पे लेवल पे मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट के थ्रू कोई पार्टी निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक मूवमेंट ही थी और उस मूवमेंट से एक पार्टी निकल के आई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट से निकल गई, अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जिसके थ्रू ये पार्टी निकल के आई, राइट। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है सोशल क्लीवेज। सोशल क्लीवेज का क्या मतलब है? यानी कि सोसाइटी के जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं उनके थ्रू पार्टी निकल के आई है। ऐसी पार्टी जो सोसाइटी के फ्रेगमेंट से बनी हुई है। लाइक कुछ पार्टी ऐसी होती है जो एथनिक बेस पे होती है, कुछ पार्टी रिलीजियस बेस पे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो रिलीजियस बेस पे ही बनी थी वो पार्टी। अगर लिंग्विस्टिक बेस पे बात करें, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बेस पे टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में वो अपनी लैंग्वेज को लेके तेलुगु जो अस्मिता है उसे आगे बढ़ाने के लिए वो पार्टी बनी थी। इसके अलावा अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट के बेस पे बहुत सारी पार्टी बनी है, लाइक बीएसपी, लाइक एसपी, है ना। तो ये पार्टीज जो है अलग अलग सोशल क्लिवेजेस से निकल के आई हैं। उसके अलावा बात कर सकते हैं कि थर्ड पॉइंट है हमारा आइडियोलॉजी। अलग अलग आइडियोलॉजी को लेके पार्टीज बनती हैं। लाइक कुछ लोग राइटिस्ट होते हैं, कुछ लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, और कुछ पार्टी सेंट्रिस्ट होती है, और कुछ कंजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ लिबरल्स होते हैं। अब इनका मतलब तो बहुत लंबा, इतना समय हमारे पास वीडियो में नहीं है, बट मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे अगर मैं राइटिस्ट पार्टी की बात करूं तो राइटिस्ट पार्टी वो पार्टी होती है जो देश को सबसे आगे लेके चलती है। इनके अलावा देश, इनके सामने देश से बड़ा कुछ नहीं होता। ये लोग जो नेशनलिज्म है उसे सबसे फॉरवर्ड में लेके चलते हैं और नेशनलिज्म से ऊपर इनके लिए कुछ नहीं होता, ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते। ऐसी पार्टी अगर मैं इंडिया में बात करूं तो उनके लिए बीजेपी जो एक राइटिस्ट पार्टी है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है। और हम इसके अलावा एग्जांपल दे सकते हैं शिवसेना का, ठीक है। अगर मैं लेफ्टिस्ट की बात करूं तो जो लोग जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, जो लोग फार्मर्स की बात करते हैं, जो लोग वर्कर्स की बात करते हैं और उनको उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, वो पार्टीज होती है लेफ्टिस्ट पार्टी। वो पर्सन होते हैं लेफ्टिस्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं। सेंट्रिस्ट कौन होते हैं? सेंट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो दोनों की आइडियोलॉजी को मिक्सअप करके एक बीच का रास्ता निकाल के चलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इसके अलावा कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो चेंज नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, चेंज बहुत धीमी गति से चाहते हैं वो। लिबरल्स वो होते हैं जो चेंज चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो खुलेपन के होते हैं, जो हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये मेन तीन होती है, इन तीनों में कोई कंजर्वेटिव भी हो सकता है और कोई लिबरल भी हो सकता है। तो अलग अलग आइडियोलॉजी है जिसके बेस पे पार्टीज तैयार होती है। और लास्ट क्या है, लास्ट है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो नेशनल लेवल पे तैयार होती हैं, उनका ब्रॉड बेस होता है, वो लोग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली होती है। और कुछ पार्टी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होती है, लाइक कोई फॉर एग्जांपल मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगा तो दिल्ली बेस्ड पार्टी, राइट, वो भी स्टेट लेवल की पार्टी, नेशनल पार्टी वो नहीं है। बट अगर आपके पास एसपी की बात कर, समाजवादी पार्टी भी स्टेट लेवल की पार्टी है, मैं टीडीपी की बात कर सकता हूँ, वो भी स्टेट लेवल की पार्टी है। बट जब मैं नेशनल लेवल की पार्टी की बात करूंगा तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, बीएसपी आएगी, टीएमसी आएगी, ये सारी क्या है, ये सारी नेशनल लेवल की पार्टीज है जिनका जो जो सपोर्टर्स है वो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए, राइट। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या होता है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले अगर मैं रोल की बात करता हूं तो सबसे पहला काम क्या होता है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। क्या होता है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर इलेक्शन में पार्टी जीत जाती है तो उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है रूल करना, यानी रूलिंग पार्टी बनना। अगर पार्टी हार जाती है तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है लूजिंग पार्टी का काम क्या होता है, लूजिंग पार्टी वर्क एज अपोजिशन, और जो भी गलत काम कर रही है गवर्नमेंट उस गलत काम को बताना किसका काम होता है, लूजिंग पार्टी का ही काम होता है, अपोजिशन का ही काम होता है। अपोजिशन बहुत सारे हो सकते हैं बट रूलिंग पार्टी एक ही रहती है, वो बात अलग है अगर कोएलिशन में हो तो। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है चॉइस प्रोवाइड करना डेमोक्रेसी के अंदर। लोगों के सामने चॉइस रखी जाती है कि आप इसको पसंद करते हो या इसको पसंद करते हो, ये इसकी बातें ज्यादा अच्छी है या इसकी बातें ज्यादा अच्छी है, कौन आपको डिलीवर कर सकता है, तो चॉइस को प्रोवाइड करना पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। इसके अलावा क्या काम होता है, इसके अलावा इनका काम होता है टू शेप पब्लिक ओपिनियन। इनका काम होता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, यानी कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की राय रखते हैं, उस राय को शेप देने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे हर इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई एक मुद्दा होता है वो सबसे ज्यादा हैवी होता है दूसरे के मुद्दे पे, और वो जो मुद्दा होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी का होता है। फॉर एग्जांपल इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा था, यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आपकी फॉरेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके बेस पे इलेक्शन लड़े गए, और उसमें बीजेपी सबसे आगे निकल गया क्योंकि उसने उस पॉलिसी को, उस प्रोग्राम को लोगों के सामने सबसे अच्छी तरह प्रेजेंट किया और लोगों के ओपिनियन को शेप किया उसने, और उस शेपिंग की वजह से ही उसे जीत हासिल हुई। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, तो लोग जिसको पसंद करेंगे उसको वोट मिलेंगे और वो आगे जीत जाएगा। अच्छा, तो ये तो बेसिक काम होगा पॉलिटिकल पार्टी के। इसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं कहीं से भी उठा के, किसी भी बुक से। ये बेसिक काम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को पुट फॉरवर्ड करना लोगों के सामने, लोगों का और गवर्नमेंट का एक टाइप बना के रखना कि गवर्नमेंट तक लोगों का पहुंचना आसान नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, तो ये भी चीज आप लिख सकते हो। अब हम आगे जो आने वाले हैं वहां पर हम लिखेंगे थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थ्योरीज कौन कौन सी हैं जिनके बेस पे पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पहला जो है पॉलिटिकल पार्टीज की अगर थ्योरीज की बात करें तो पहली थ्योरी है सोशल चेंज थ्योरी। सोशल चेंज थ्योरी। तो सोशल चेंज थ्योरी क्या है, सोशल चेंज थ्योरी कहती है कि पार्टी जो होती है वो किस बेस पे डेवलप होती है। मोस्टली पार्टी सोसाइटी के जो क्लिविजेस होते हैं उससे फॉर्म होती है, लाइक ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ क्लास, ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ रेस, किसी भी बेस पे सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उस सोसाइटी के चेंजेस की मदद से पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, राइट। तो ये बात कहती है कौन, सोशल चेंज थ्योरी। सोशल चेंज थ्योरी का मानना है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक
between the social group and the political parties, right? अच्छा जी, और अगर हम बात करें कि जो इसका कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा, इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी जो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है पहले 15 साल जो आजादी के बाद के, उस वो जो चीज है वो इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि कांग्रेस उस टाइम में ऐसी पार्टी थी जो किसी कास्ट की, किसी क्लास की, किसी एथनिसिटी की, किसी रिलीजन की नहीं थी, वो सबको एकोमोडेट करके चलती थी। बट ये थ्योरी कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर क्लीवेज के बेस पे बनाई जाती है। आगे बात करते हैं, सेकेंड जो हमारा थ्योरी वो थ्योरी कहती है, इसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टमिक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि पॉलिटिक्स का हर जगह पर एक सिस्टम होना चाहिए, राइट? और जैसे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, यानी कि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड फेडरल पॉलिटी। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर एफपीटीपी है, इंडिया के अंदर जो क्या नाम है डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टमिक थ्योरी है ये बताता है कि एक देश के अंदर किस किस तरह के सिस्टम डेवलप हो रखे हैं डेमोक्रेसी को लेके। इंडिया में एफपीटीपी है, यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है ना, ये सब चीजें यहाँ पर फॉलो की जाती है, ठीक है जी। तो ये हो गया एक चीज पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूं, दूसरी चीज क्या है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो है कोएलिशन गवर्नमेंट। आपको पता है कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, या आपको पता है अलायंस और कोएलिशन में क्या फर्क होता है? अलायंस क्या होता है, अगर मैं अलायंस की बात करूं तो अलायंस का मतलब होता है जब दो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड एन अलायंस, ठीक है जी। जब दो पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं तो उसे कहा जाता है अलायंस। बट ये सब होता है इलेक्शन से पहले, कोएलिशन होता है इलेक्शन के बाद, यानी जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलके सरकार बनाती है, दैट इज कॉल्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। और हमारे देश में 1990s के बाद से बहुत सारी कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, बहुत सारी फॉर्म हुई है। आज भी हमारे देश में कई जगहों पर कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है, और 1990s के बाद से ये बहुत ज्यादा हुआ, स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा हमारे सामने आई है। अगर मैं कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करूं तो कोएलिशन गवर्नमेंट के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अगर मैं फायदों की बात करूं तो सोशल डाइवर्सिटी का पता चलता है इससे, इससे पता चलता है कि कंसेंसस पॉलिटिक्स है, सब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपस में एक दूसरे से समझौता करके मिलकर सरकार बना रही है, तो भी अच्छी बात है। जो डाइवर्सिटी है वो एकोमोडेट होती है इसके जरिए। इसके अलावा ये लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके एक साथ आते हैं, सबके पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं जिन इंटरेस्ट को वो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल 2004 में जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी, 2009 में जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी, 2014 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी थी, 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी, ऑल आर कोएलिशन गवर्नमेंट्स, राइट? अच्छा जी, इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कम होती है, कई बार कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो दो साल के अंदर गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल जनता पार्टी 1977 जब उनकी सरकार बनी, दो साल के अंदर खत्म हो गई। तो इस तरह की गवर्नमेंट ज्यादा टाइम चल नहीं पाती और ये जल्दी डिक्लाइन कर जाती है क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लग जाते हैं। सेकंड जो है वो डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो उसे पहले अपने जो साथी पार्टी होती है, जो कोएलिशन पार्टी होती है, उनसे मदद लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि सर ऐसे करें या ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले होता है। और थर्ड, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक पार्टीज बहुत सारी होती है, ऐसी पार्टीज का एक सीट है, दो सीट है, दस सीट है, ये लोग फिर सौदा करती है कि हमें क्या मिलेगा अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हमें इतने कैबिनेट पद चाहिए, इतना ये चाहिए। तो ये लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किस तरह से किसी एक पार्टी को डोमिनेंस ना हो और हम लोग फिर उसका फायदा उठाएं। तो ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी हमारे देश में बहुत सारी है और हर कोई फायदा उठाना चाहता है कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो कोएलिशन गवर्नमेंट में हमारे देश में तीन बड़े कोएलिशन है, तीन बड़े। पहला है यूपीए, इसे बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके अंदर जो कांग्रेस है वो मेजोरिटी पार्टी है, इसके अलावा उसमें छोटी 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 बहुत सारी पार्टी जुड़ती है, यानी जब भी कांग्रेस को कभी पूरी सीट्स नहीं मिलेंगी,
ठीक है 272 सीट्स चाहिए होती है लोकसभा में, उतनी सीट्स नहीं मिलती, तो वो सारी पार्टी मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस के साथ और वो सरकार कहलाई जाएगी यूपीए की सरकार। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2004 में कांग्रेस की सरकार थी तो ये चीज गलत होगी, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, नॉट ओनली कांग्रेस। फिर आता है एनडीए, ये दूसरा सबसे बड़ा अलायंस। ये एनडीए के फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस के अंदर आती है आपकी बिगर पार्टी जो है वो है बीजेपी। तो अभी 2014 में जो इलेक्शन हुए, फिर 2019 में जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन बीजेपी नहीं जीती, ये इलेक्शन एनडीए जीता है। और अभी जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की है, 2020 की बात कर रहे हैं और 2020 में फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट है, ना कि बीजेपी की। बीजेपी बेशक पावर में आई है बट मतलब फुल मेजोरिटी आई है, बट ये अपने साथियों को छोड़ना नहीं चाहती थी, दैट्स व्हाई इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, एनडीए की सरकार। और जो थर्ड है उसे कहते हैं लेफ्ट फ्रंट। इन लोगों की आज तक सरकार बनी नहीं है बट इसके अंदर जो मेजोरिटी पार्टी है वो है सीपीआई सीपीआईएम। ये लोग ट्राई करते हैं एज अ प्रेशर ग्रुप इन दोनों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार जो है इनके रास्ते पर चल सके, इनके इंटरेस्ट के हिसाब से चल सके। तो ये तो सारी चीजें थी पार्टी सिस्टम के बारे में। पार्टी सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक और अगर मैं छोटी चीज बताऊं तो आपको एक आता है वन पार्टी सिस्टम, एक आता है टू पार्टी सिस्टम, एक आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन सा सिस्टम है? इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों है इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम? क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डायवर्सिटी है कि कोई एक पार्टी उसे अकोमोडेट जल्दी से नहीं कर सकती, कोई दो पार्टी उसे जल्दी से अकोमोडेट नहीं कर सकती। ट्राइबल लोगों की अपनी सिचुएशन है, फार्मर्स की अपनी है, पीजेंट्स की अपनी है, हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन के साथ चल रहा है और उन सिचुएशंस को उनकी पार्टी, उनकी खुद की पार्टी, लाइक फार्मर्स की अलग पार्टी, पीजेंट्स की अलग पार्टी, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाती हैं। तो इंडिया ने हमेशा से मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अगर मैं वन पार्टी सिस्टम की बात करूं तो यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाइना, राइट? चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया भी इसका एग्जाम्पल है। चाइना में और भी छोटी पार्टी है बट उन पार्टियों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हम उसे वन पार्टी सिस्टम ही कहेंगे। ऐसे सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी ना के बराबर होती है, राइट? जो सेकंड है वो है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका में है और ब्रिटेन में है। अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ठीक है? अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी है, वहां पे लेबर पार्टी है। तो यहां पर मेजरली जो इलेक्शन होते हैं वो दो पार्टी के बीच में ही होते हैं, कुछ छोटी पार्टीज होती है बट उनका ना के बराबर सिनेरियो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में। और हमेशा आप अमेरिका में भी देखते होंगे जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें से कोई एक का ही हमेशा प्रेसिडेंट बनता है और आज तक बनता आया है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर, पार्टी सिस्टम इन इंडिया के अंदर आती है और इन सब चीजों को लिखना आपको पड़ेगा जब 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पार्टी सिस्टम इन इंडिया के ऊपर आएगा। लेक्चर काफी लंबा हो गया बट आई होप आप लोगों ने शांति से सुना होगा इसे पूरी तरह से। मैंने कोशिश की हर तरह के पहलू पे गौर करने की कि आपका जो क्वेश्चन है वो किसी तरह से छूटे ना और आप सारी बातों को समझ सको। कुछ चीज मैंने बहुत तेजी से बताई होंगी तो उनको आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। और आपके जो भी दोस्त हैं जिनका ये टॉपिक आ रहा है पेपर के अंदर उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें आप, ताकि उन तक ये बात पहुंच सके और एसएल अपडेट को लोग सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।